जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका देश के एक नए प्रोजेक्ट में। और आज हम देखने वाले हैं धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे कि पूरा का पूरा ग्रीन फील्ड बनाया जा रहा है। और दोस्तों, धोलेरा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे बनाया जा रहा है ये एयरपोर्ट, जिसे कि कनेक्ट किया जाएगा धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे से, और अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पे। आप यहाँ पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर बनाया जा रहा है धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ पर जो कंपनी काम कर रही है वो है वारा इंफ्रा लिमिटेड। दोस्तों, यहाँ पर दो रनवे बनाए जा रहे हैं और आज हम इसका पूरा अपडेट देखने वाले हैं, कितना काम यहाँ पर हुआ है और कितना काम यहाँ पर अभी बाकी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं आपका बिना वक्त गवाए। वीडियो की शुरुआत हम करते हैं अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे से, जिसे कि अहमदाबाद से लेके और धोलेरा और भावनगर तक कनेक्ट किया जाएगा। यह 109 किलोमीटर लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है, जो कि 4 लाइन का बनाया जा रहा है और भविष्य में इसको 8 लाइन तक का बनाया जाएगा। यह धोलेरा एयरपोर्ट से डायरेक्ट लिंक किया जाएगा और तकरीबन एयरपोर्ट से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी से यह होकर गुजरेगा। और यह जब एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा, तो अब बाजू में आप जो देख रहे हैं ना, ये स्टेट हाईवे 6 है, इसको बंद कर दिया जाएगा। लोग इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे एक्सप्रेसवे को, और क्योंकि भाई ये एक्सप्रेसवे जिसकी लिमिट होती है 120 मैक्सिमम, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को बचत होने वाली है दोस्तों। एक्सप्रेस वे को अभी आप देखेंगे तो इसको विटामिन्स में बनाया जा रहा है दोस्तों। विटामिन्स की पहली लेयर डाल दी गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ पूरा आपको हरा हरा देखने को मिल पा रहा होगा। और वैसे भी पूरा का पूरा एक्सप्रेस वे ग्रीन फील्ड बनाया जा रहा है, क्योंकि भाई यह पूरा का पूरा नया एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं एयरपोर्ट की तरफ दोस्तों। दोस्तों, हम पहली बार हमारे YouTube चैनल पर एयरपोर्ट का अपडेट देखने वाले हैं और आप सभी से काफ़ी उम्मीद है कि आप हमें प्यार देंगे अच्छा खासा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिव पैदा करता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, 2016 में एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया था, सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई और एयरपोर्ट 1501 हेक्टेयर जमीन में बनाया जा रहा है। धोलेरा एयरपोर्ट के लिए 51% शेयर होल्डिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार की रहेगी, गुजरात सरकार के 33% और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का डेवलपमेंट ट्रस्ट 16% होगी। 48 महीनों में बनाकर तैयार किया जाएगा। यह 40% धन हिस्सेदारी में आएगा, 60% ऋण के रूप में जुटाए जाएंगे। इसमें दो तरह की सुविधाएँ होंगी। तो अभी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस जगह पर रनवे का काम किया जाना है, जबकि यहाँ पर जो आप पूरा देखेंगे तो फाउंडेशन काम पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। एक मेन आप देख सकते हैं रनवे यहाँ पर बनाया जा रहा है और एक इसके बाजू में बनाया जाएगा। अभी जो इसका रनवे का काम जोरों शोरों में किया जा रहा है और अभी जो टर्मिनल का काम है वो भी फाइनल डिसाइड नहीं किया गया है, फाइनल स्टार्ट भी नहीं हुआ काम, और जैसे जैसे स्टार्ट होगा आपको समय समय पर इसके अपडेट देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों। इसकी पिछली वीडियो में हमने धोलेरा को एक्सपर्ट किया था, पूरा आपको धोलेरा कवरेज करके दिखाया था, जो कि पूरा का पूरा ग्रीन फील्ड शहर बनाया जा रहा है। उसी के कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा जो नया रनवे बनाया जा रहा है, नया एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जिसे कि आज हम अपडेट देख रहे हैं। और ये धोलेरा आपने देखा, इसका काफ़ी अच्छा खासा नज़ारा जो कि भाई बनाया जा रहा है पूरा का पूरा 920 स्क्वायर किलोमीटर में दोस्तों। वैसे जब यह एयरपोर्ट पूरी तरीके से बन के रेडी हो जाएगा तो अहमदाबाद गांधीनगर का जो एयरपोर्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि उसका ट्रैफिक कम हो जाएगा, तो आधा ट्रैफिक यहाँ पर हो जाएगा। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का ये सबसे बड़ा हिस्सा होने वाला है, जो कि ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट बना जा रहा है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है, पहला एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट है। और जब ये बन के रेडी हो जाएगा, हो सकता है तो इसका भी एयरपोर्ट का काफ़ी अच्छा खासा स्पेस बनने वाला है दोस्तों। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर इस जगह पर आपको रनवे का काम किया जा रहा है इस जगह पर, उसके बाजू में ही दूसरा रनवे बनाया जाएगा। फर्स्ट रनवे का अभी थोड़ा दूर काम है, पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है, और जब ये अच्छा खासा रेडी हुआ तो आपको इसका मैं अच्छा खासा अपडेट भी देता रहूँगा दोस्तों।
दोस्तों इसकी जो लागत है तकरीबन 1305 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, दो रनवे के साथ इसका काम किया जा रहा है और जैसे कि 2025 में इसको पहला चरण ओपन कर दिया जाएगा। और अभी आप यहाँ पर जो काम देख पा रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला रनवे आपको ये देखने को मिल पा रहा होगा इस जगह पर और सेकेंड रनवे इस जगह पर बनाया जाएगा। और यहाँ पर काम की बात करें तो काम अभी यहाँ पर फिलहाल जोरों शोरों में किया जा रहा है। और जो कि यहाँ पर जो कंपनी मैंने आपको बताया, जैसे कि यहाँ पर जो कंपनी काम कर रही है वारा इंफ्रा लिमिटेड, जो कि इस एयरपोर्ट का पैकेज फर्स्ट का चरण का काम कर रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका भी टर्मिनल का काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो मिट्टी आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर मिट्टी वगैरह डाली जा रही है क्योंकि रनवे का जो काफ़ी ऊँचा बनाया जा रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े डंपरों द्वारा मिट्टी लाई जा रही है इस जगह पर। और अभी आपको काफ़ी ब्लैक ब्लैक दिख पा रहा होगा क्योंकि सूर्य की किरणों की वजह से आपको पूरा का पूरा ये ब्लैक देखने को मिल पा रहा होगा दोस्तों। तो इस जगह पर आप देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा पूरा एक ग्राउंड आपको देखने को मिल पा रहा है। ये काफ़ी बंजर जमीन है, यहाँ पर कोई फसल वगैरह नहीं होती है। इसी जगह पर यह एयरपोर्ट का निर्माण कार्य किया जा रहा है क्योंकि हमारे मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, जो कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहा थे तो उस वक्त उन्होंने इस सपना देखा था ये धोलेरा सिटी का, और आज उनका सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और ये पूरा धोलेरा सिटी की जो डेडलाइन है 2042 की दी गई है, साथ ही साथ ये एयरपोर्ट भी 2025 तक बन के तैयार हो जाएगा क्योंकि भाई ये पूरा कार्गो के लिए भी अच्छा खासा काम करने वाला है। तो ये इस पर आप देख पा रहे हो पूरा का पूरा आपको मैदान देखने को मिल पा रहा होगा जहाँ पर ये एयरपोर्ट का काम किया जा रहा है दोस्तों इस वक्त जोरों शोरों में। इस जगह से आप प्रॉपरली देख सकते हैं दोनों के दोनों रनवे, जो कि आपको बराबर में देखने को मिल पा रहे होंगे क्योंकि उस वक्त सूरज की किरणें बिल्कुल सामने आ रही थी। तो इस जगह से जैसे कि एक रनवे इस जगह पर बनाया जा रहा है और दूसरा रनवे का काम जो है इस जगह पर किया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आपको दिखाया धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अपडेट, और धोलेरा का ही नहीं, ये हमारे YouTube चैनल पे पहला एयरपोर्ट का अपडेट दिया है हमने। आपको कैसा लगा हमारे YouTube चैनल पर ये एयरपोर्ट का? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि इसी प्रकार के और भी नए नए अपडेट आप हमारे YouTube चैनल पर देखते रहें दोस्तों। आज के लिए इतना, जय हिंद जय भारत। Pink champagne.